नमस्कार अर्गस बिग ब्रेकिंग को आपन को स्वागत करुछि मु स्मृति लग्ना। कोरोना रो द्वितीय लहर आसीबा परे समस्तन को भितरे चिंता बढ़ी जाइछि। पुणी थरे लॉकडाउन शटडाउन फेरि बनितो, पुणी थरे पूर्व भलिया स्थिति हे बनितो। जदियो वैक्सीन आसीछि किंतु वैक्सीनेशन व्यापक परिमाण रे पहुंची पारि नाही बा प्रक्रिया होई पारि नाही, जोति पई साधारण लोक वर्तमान भी वैक्सीन नबारु वंचित। ए प्रक्रिया रे वयस्क लोक शामिल होईछंती सत, किंतु एबे भी आमे जदि देशर जनसंख्या कथा कहबा अनेक बाकी अछंती वैक्सीनेशन पई, एणु चिंता जाहिर करबा स्वाभाविक। एभले एक क्षेत्र रे राज्यर कथा जदि कहबी 200 रु अधिक पॉजिटिव गतकाली चिन्हट होईतिले एवं जनवरी 17 परे ए संख्या 200 पहुंची नथिला। अल्प रहुथिला कोरोना आक्रांतक संख्या, किंतु धीरे धीरे बढ़िबा 200 रु अधिक पॉजिटिव हेबा निश्चित भावे चिंता बढ़ाई। ता सहित विभिन्न जगार केन्द्रीय कथा कहतु बा राज्य सरकार को कथा कहतु, जो जगार जमी पदक्षेप नवा कथा निंतु एति काफी तो लोकों भितर सचेतनता रोचे, तो ये सब बाबद आम आलोचना करवा। डॉक्टर संजीव मिश्र मो सहित जोड़ी होती। डॉक्टर मिश्र स्वागत करुच्छी आपण को अर्गस न्यूज को। वर्तमान परिस्थिति रे कोरोनार द्वितीय लहर रोकिबा पई आमे जो बाटरे जाउचू से बाट ठीक अछि, सेतिकी नियंत्रण बा सेतिकी कटकणा ठीक अछि बोली आपण अनुभव करंती ना आउ कुठे अभाव रहि जाउचू? नहीं देखो तो कटकणा माने जहाँ अच्छी सेटा को आमे आउ नियमित अवधि रे आमको रिथिंक करबा को पड़िबो, अनुचिंता करबा को पड़िबो जे कटकणा ठीक अछि ना नाही। कारण आमे उच्च शिक्षानुष्ठान माने खोली देतिला, आज न्यूज रे बाहरी छि कि रेवेन्सा रे पॉजिटिव केसेस आसी, किछिटा स्कूल रे हाई स्कूल रे पॉजिटिव केसेस माने आसी। तेणु यही समय रे आमको रिथिंक करबा को पड़िबो आम स्ट्रेटेजी जे आमे कोन शिक्षानुष्ठान माने बंद कर देबा उचित कि, कारण से जगह रे पिला मानकर एग्रीगेशन होए एवं सेही गोटे जगार पुणी पिलाने घर को जाइकी से जिनस स्प्रेड करिवार चांसेस रही थाए, से जिनस प्रति हमको टिके गुरुत्व देबा को पड़िबो। अन्य जिनस हला जो सभा समिति माने होउची, से सभा समिति माने जदि अति जरूरी नाही ताहेले से सभा समिति पई अनुमतिटा बातिल कर दिबा दरकार, जे पर्यंत कि आमे जानि नाहु जे द्वितीय लहरीर केते प्रभाव पड़िबो से जिनसटा न जानिबा पर्यंत आमे सभा समिति बंद कर दरकार। वैक्सीनेशन ड्राइव को आउ टिके व्यापक करिवार आवश्यकता रही, से सबू जिनस को आमको प्रति नियमित व्यवधान में अनुचिंता करने को पड़ो। निश्चय डॉक्टर, आउ गोटे कथा जो भाव में स्कूल एवं कॉलेज रे वर्तमान चिंता बढ़ी, आप रेवेन्सा विश्वविद्यालय कथा कहतु, राजधानी रे केंद्रीय विद्यालय कथा कहतु, यह क्षेत्र में पिला पाठपढ़ा को लेकिन चिंता जाहिर करा जाए थी एवं धीरे धीरे से शिक्षादान प्रक्रिया आरंभ होता, तो वर्तमान परिस्थिति में पुणी थे चिंतार एवं हॉस्टल बंद हेब कॉलेज बंद हेब ए आशंका सामना को आ। हाँ निश्चित भाव से आशंकाटा सामना को आसी, गोटे जिनस कोविड समय रे आम समस्त को जो एक्सपीरियंसटा मिली से कि ऑनलाइन मोड रे जो टीचिंगटा मध्य गोटे फुल प्रूफ प्राक्टिस हिसाब से आम ग्रहण करने को पड़ो। कारण आम जानी ना जे कोरोनार एपिडेमिकटा केते दिन पर्यंत रहिबो, केते दिन पर पुणी रीअपियर कर, कारण जो आम इन्फ्लुएंजा रोचे कॉमन कोल्ड फ्लू रोचे से प्रति वर्ष थरे थरे आसी थाए, प्रति वर्ष थरे थरे तार एपिडेमिकटा आसी थाए। तेणु जो किंतु से कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंजा रे आम डेथ रेट भारत भाया कंट्री बहुत लो नेग्लीजिबल कहले चले, तेणु से आम व्यस्त हो न था। किंतु कोविड भाया रोग जो कोरोना भाया रोग जो थे कि टी मोर्टालीटी रेट हाई रही, आमर कि ससेप्टेबुल ग्रुप डेथ रेट बहुत बेसी रही जाए, तेणु आम समस्त से प्रति चिंतित अच्छु। तेणु यही स्थित में आम ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन को आगे स्ट्रेंथनिंग कर आवश्यकता रही, डिस्टेंस एजुकेशन को स्ट्रेंथनिंग कर आवश्यकता रही, गोटे पाराडाइजम शिफ्ट आर आवश्यकता रही जबकि कि आम ए कोविड महामारी को कंट्रोल कर। निश्चय किंतु देश में आम जब नंबर कथा कहबा डॉक्टर मिश्र, 24 घंटा रे 69,069 पॉजिटिव वर्तमान चिन्हट हेलेनी एवं किछि जगार विशेष भाव में महाराष्ट्र रे सर्वाधिक 35,000, महाराष्ट्र रे दिनक जोभली भाव में नंबर बढ़ी चली, पंजाब रे कर्नाटक छत्तीसगढ़ केरल ए सबू जगार पॉजिटिव संख्या धीरे धीरे बढ़ी चली। आम जब वैक्सीनेशन कथा कहबा वर्तमान व्यापक परिमाण में पहुँची पारिना लोकों पाखे आहरी समय लगे कारण आम जनसंख्या बहुत अधिक, एभली एक क्षेत्र में आम किभली अधिक रु अधिक सचेतन होगा? नहीं निहाती भाव में मृत्यु संख्याटा कोविड रो इन्फेक्शन संख्याटा सब जगह बहुत तमने
वरींगली बढ़िवारे लगी किंतु ता सांगरे केते मृत्यु संख्यार हारटा केते बढ़ी न बढ़ी से जिनस को आमको टिके अकाउंट को नेबाक पड़िबो। द्वितीय जिनस जोटा कहिले कोविड वैक्सीनेशन कथा एटा सत कथा जे आमर मेजोरीटी ऑफ पॉपुलेशन एपर्यंत वैक्सीनेट हेई नांती किंतु जो माने हाई रिस्क ग्रुप थिले जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर थिले फ्रंटलाइन वर्कर थिले सीनियर सिटीजन थिले सेमानक थारे आमर वैक्सीनेशन ड्राइवटा बहुत बढ़िया भल भाव चली सेमानक क्षेत्र में ही मोर्टालिटी रेटा अधिक रोला तेणु मोर गोटे विश्वास जे एथर कोविड्र द्वितीय लहरी आसिले आमर मृत्यु हारटा जथेष हिसाब से कम रहिबो जो माने सेकेंड डोज वैक्सीनेशन नहीं सारी थे तेणु से सब जिनस को आमको आउ थे तर्जमा करने को पड़ो जे लहर मुझे आपको तर्जमार तो आवश्यकता रही इमरान जी कटक प्रतिनिधि जोड़ी होती आम सहित इमरान रेवेन्सा विश्वविद्यालय तीन कोरोना पॉजिटिव आसीबा परे परीक्षा को नहीं अनिश्चितता देखा मिली एवं ए नंबर आहुरी अधिक बढ़ी पारे। रेवेन्सा विश्वविद्यालय वर्तमान अनेक छात्र छात्री अच्छा संख्या बढ़ी पारे भय रहुथबो निश्चय निहत भाव देखो स्मृति लग्न जो रेवेन्सा विश्वविद्यालय जो भाव में कोरोना संक्रमित चिन्हट होती गोटे विभाग जी गेस्ट फैकल्टी थे प्रथम से कोरोना संक्रमित होते और जो कंटाक्ट टेस्टिंग है रेवेन्सा विश्वविद्यालय तीन जन वर्तमान सुधा संक्रमित चिन्हट होती भितर जो दुई जन छात्री रही जो छात्रावास सहित जड़े अध्यापिका जो रही गेस्ट फैकल्टी से संक्रमित होती समुदाय तीन जन चिन्हट होगापर आहरी जन चिन्हट होती संक्रमित बोली सूचना मिली कि कंटाक्ट ट्रेसिंग आरंभ हो पाखापाखि 160 जन वर्तमान सुधा से टेस्ट करा कि सीएमसी पक्ष सूचना मिली कितु आम कहीपर एवं भी रेवेन्सा विश्वविद्यालय भितर भयर भय वर्तमान भयर वातावरण सृष्टि और अनेक छात्र छात्री अध्यापिका अध्यापक भितर भय रही है कितु अनेपटे देखिए कलेज विश्वविद्यालय खोल आग को मुंड परीक्षा यह क्षेत्र में पाठ पढ़ार कथा जो सामना को आसूब स्वाभाविक प्रक्रिया जो आरंभ से भितरे कोरोना पॉजिटिव चिन्हट हेबा पिलामानक पाठ पढ़ारे व्याघात सृष्टि हेबा ए पूरा प्रक्रिया को केमती ग्रहण करुछंती पिलामाने एवं कोन कोन सब निष्पत्ति बदला जायछि किभले भाबरे नुआ एसओपी जारी करा जायछि आउ कोन कोन सब अवेयरनेस सेठारे क्रिएट करा जायछि देखो तो आप जानते जेहेतु पाखापाखि वर्षे पर्यंत शिक्षा व्यवस्था पूरापूरी भाव में बाधा सृष्टि करता कोरोना तापर अनेक समय ऑनलाइन पाठपढ़ा को गोटे प्रकार ग्रहण कर किंतु जेहेतु विगत देढ़ मास हम पाखापाखि जे प्लस थ्री यूजी पिला एवं प्लस टू सेकेंड इयर पिला कॉलेज जावाप प्लस टू पिला कॉलेज जावाप अनुमति मिलता तापर से कॉलेज जावास करते कोरोना गाइडलाइन जो कोविड गाइडलाइन रही से ही अनुसार कॉलेज पिला पाठ पढ़ाई अनुमति मिलता कि आसते सामाजिक दूरता अवलम्बन कर सहित मास्क पिंधिया सब कोविड गाइडलाइन को ग्रहण करके पाठ पढ़ते सहित हॉस्टल खोल एसओपी एसओपी जारी कर शिक्षा विभाग तापर हॉस्टल खोलते जो मैंने हॉस्टल रोचे छात्र छात्री मैंने आसिक रोते कितु जेहतु कटक सहर कथा जब देखा अनेक जो छात्र छात्री मैंने रही जो बाहर जिलूर आसो मैंने बाहर राज्य आसर से संक्रमण रोचु से संक्रमण द्वारा ही अन्य मानक व्यापुची जहाँ कि सूत्र खबर मिली जहाँकि स्वास्थ्य अधिकारी सीएमसी से कहते बाहर राज्य और जिलूर यह संक्रमण कटक आंतु जेहेतु बर्तमान रेवेन्सा विश्वविद्यालय परिसर कथा देखिए कटक सहर भितर रहा अनेक शिक्षा अनुष्ठान भितर जो भाव में कोरोना संक्रमण बर्तमान चिन्हट होती समस्त भितर गोटे ना गोटे भय रही है शिक्षानुष्ठान कथा पाठ पढ़ार कथा बर्तमान आम व्यवसाय आड़क आसवा कटक व्यवसायी मैंने विलंब में निज व्यवसाय आरंभ करजे जानते लॉकडाउन सटडाउन के मात्र व्यवसाय क्षतिग्रस्त होता आर्थिक मंदावस्था देखा मिलता किंतु वर्तमान ट्राक को फेरुंच समस्ते एभल एक क्षेत्र में कटक संक्रमण देखा व्यवसायी भितर के मात्रा भय सृष्टि कर द्वितीय कथा हो दुकान को आसला बेले ग्राहक मैंने जहाँ नियम रही जी दूरता मेन्टेन करवा दरकार ग्राहक मानक सहित व्यवसायी मान सहित जो भाव सेजे नियम मानवा दरकार सबकि पालन कर देखो स्मृतिलग्न आप जानते हैं कटक सहर गोटे हूँ ओडिशार जो व्यवसायिक आर्थिक मेरुदंड गोटे हूँ कटक सहर और ये अनेक व्यावसायिक अनुष्ठान रही व्यावसायिक संस्था रही है जेहेतु कोरोना समय अनेक व्यवसायी जो संस्था रही अनुष्ठान रही तार कुप्रभाव पड़ता सेनेक क्षति होता कि दीर्घ मस पर जेहेतु व्यवसाय पुणी आरंभ करपटे जेहतु कोरोनार जेहतु द्वितीय लहर आसी ना तथापि कहुच्छे जो भाव में बर्तमान संक्रमण व्यापुच्छ जो गाइडलाइन आरंभ दि जाऊ जो व्यवसायी
ଯଦି ସେମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ଗ୍ରାହକ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ କହିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ସେ ସବୁ ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ବା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କିଛି ଦିନ ହୋଇଯିବ, ଏବେ ବି ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ସେ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରାଯାଉନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବିଗତ ଦୁଇ ଦିନରୁ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଚଢ଼ଉ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାଯାଉଛି ସେ ଜାଗାକୁ ଚଢ଼ଉ କରିକି ସେମାନେ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ତାକୁ ସିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗତକାଲି କଟକ ସହର ମିଶନ ରୋଡ଼ ସ୍ଥିତ ଦୁଇଟି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ରାଣୀହାଟରେ ଥିବା ଏକ ସୁପର ମାର୍କେଟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ କଟକ ଯେହେତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଥିଲା ଭାରତୀୟଙ୍କ ମାନସିକତା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ ନ ହୋଇଛି ଏବଂ କଠୋରପଣ ବା ଫାଇନ୍ ଆଦାୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ନ ହୋଇଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ନିୟମକୁ ହାଲକା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଥିଲା ସର୍କିଲରେ ରହିବା ବା ବାହାରେ ଦୋକାନୀ କୁହନ୍ତୁ ବା ଗ୍ରାହକ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଦୂରତା ରହିବା, ତାକୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କେହି ବି ଚେକିଂ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତାକୁ କେହି ଚେକିଂ କରୁନାହାନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ତାକୁ କେହି ଚେକିଂ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ମୁଁ ଗୋଟିଏ କେବଳ ଉତ୍ତର ଦେବି, କାହିଁକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲକଡାଉନ୍ କରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଲକଡାଉନ୍ ଆଣକୁ ମୁହାଇବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଯଦି ସତର୍କ ନ ହେବେ, ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ସେମାନେ ଯଦି ସତର୍କ ନ ହେବେ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବେ ବି ଅନେକ ଲୋକ ବଜାରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜାଗାକୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ହେଉଛି, ସେଠି ଲୋକମାନେ କିଛି ନିୟମକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, କେହି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ କେହି ମଧ୍ୟ ରହୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତତ୍ପର ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ହେବ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏବଂ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ଯାଇକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚଢ଼ଉ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ସେ ଜାଗାକୁ ବା ସେ ବ୍ୟବସାୟ ଚଢ଼ଉର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଏଭଳି ଚଢ଼ଉ ଦରକାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଇମ୍ରାନ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରକାଶଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରକାଶ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସଚେତନତାକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କରୋନା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସମୁଦାୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 12,526 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେକି ବର୍ତ୍ତମାନ 41 ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ 41 ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 12,384 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ରିକଭର ହେଇଛି ଏବଂ 96 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି କରୋନା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଏବଂ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ, ଟେଷ୍ଟିଂ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ହଉଥିଲା, ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ସଚେତନ ହଉଥିଲେ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ସହ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜିଂ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନ, ଏଇ କିଛି ଦିନ ହବ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଭାବିଲେ ଯେ କି କରୋନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଧହୁଏ ବିଶ୍ୱରୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରୋନାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛୁ, ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ କହିବା ପାଖାପାଖି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆଉ ସଚେତନ ହଉନାହାନ୍ତି। ମାସ୍କ ଯଦିଓ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାସ୍କ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ମାସ୍କ ନାକ ତଳେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ଦୂରତା କହିବା ବିଲକୁଲ ମାନେ ହେବ ଯେକି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କରୋନାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସଚେତନ ହେବେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ କେଉଁଭଳି କରୋନାର ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛି ତା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ତ ସେଥିଲାଗି ବ୍ୟାନର ପୋଷ୍ଟର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାକୁ ଆଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କିଛି ଲୋକ ୟାକୁ ମାନୁଥିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଅମାନିଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଥାକୁ ବିଲକୁଲ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଅମାନିଆ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମାସ୍କ ପରିଧାନକୁ ଆଦୌ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସାମାଜିକ ଦୂରତା କଥା ତ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚଢ଼ାଉର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ନିୟମ କାନୁନ କଠୋର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୀବ ମିଶ୍ର, ଟେଷ୍ଟିଂ ଆମର କମିଛି, ଆମେ ଯଦି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, କରୋନାକୁ ନେଇକି ଭୟ ରହୁଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି, ହୁଏତ ଯଦି ଟେଷ୍ଟିଂ ବଢ଼ିବ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ହଁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ଯେଉଁଟା ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଲହରୀର କଥା କହୁଛୁ, ଯଦି ଆମେ ଟେଷ୍ଟିଂଟା ଆଉ ଟିକେ ବ୍ୟାପକ କରିବା ତାହେଲେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀରେ
देखा पाई से मोस्ट ऑफ़ दि केसेस है पूरा एसिम्प्टोमेटिक कौन लक्षण रोना कि टेस्टिंग बेलू धरा पड़ू रोगटा तेणु एटा कम्युनिटी आउ टे बे संख्यारे थपे और टेस्टिंग कले आउ टे बे संक्रमित संख्या बाहरी पारे किंतु जे संक्रमित मानक प्रेजेन्सटा जे के कम्युनिटी को हार्म कर से विषय तर्जमार आवश्यकता रही कारण जेहेतु द फ्रंटलाइन वर्कर्स हेल्थ केयर वर्कर्स और जो सीनियर सिटीजन मान वैक्सीनेशन हो सारा कोरोना एवं कौ प्रकार डेवलपमेंट करुच्ची के लोक सीरीयस होते लोकों डेथ हो सब जिन तर्जमा कला जाए विषय कौन सी युक्ति बाढ़ी हे निश्चय बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजीव मिश्र रही आम लगातार भाव में कोरोना को लेकिन आलोचना करूँ एवं प्रतिनिधि रही बालेश्वर प्रकाश सहित आलोचना करूँ कटक इमरान रही कोरोना एबे भी जाईना ए विपद एबे भी आम मुंड उपरे रही नंबर संक्रमित संख्या बढ़ी चली द्वितीय लहर आसवा पर न्यू स्ट्रेन सामना को आसवा पर कोरोना पुणि थे डरा गोटे क्षेत्र में नियंत्रण करदी आम पूर्व सामाजिक दूरता को अस्त्र हिसाब से ग्रहण करवा मास्क परिधान को यथेष्ट गुरुत्व देवा तेज समय होगी यही रखा बिग ब्रेकिंग को विदाय दिंतु नमस्कार।